बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोसस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, इस्लाम के नज़दीक मखलूकात की एक नूह है जो नूर से पैदा की गई है। वो अल्लाह के पकीसा और फर्मा बरदार हैं जो हुक्म इलाही पर बिला चूनो चरा अमल करते हैं। इनको खुदा की खुदाई में कोई दखल नहीं। जिस बात के करने का इन्हें हुक्म दिया जाता है वो फौरन तामील करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये मखलूक फरिश्ते कहलाती है। इनमें से चार मुकर्रब हैं जिब्राइल जो अल्लाह के पैगामात पैगम्बरों तक पहुंचाते हैं, और इज़राइल जो रूहों के कब्ज करने का काम करते हैं। बारिश बरसाना मिकाइल के सुपुर्द है, और इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे जिससे तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, इस्लाम ने रूह को गैर फानी करार दिया है। सूर फूंकने पर मुर्दे अपनी अपनी कब्रों में से जिस्मों के साथ निकलेंगे। मरने के बाद इंसान तीन मरहलों से गुजरेगा। पहला मरहला आलम बज़र्ख कहलाता है, दूसरा अयोमल कयामत के नाम से मौसूम है, और तीसरे को योमल हिसाब कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, मौत के साथ ही इंसान इस आलम बज़र्ख में दाखिल हो जाता है। ये आलम क़यामत पर जाकर ख़त्म होगा। कब्र में तदफीन के फौरन बाद दो फरिश्ते मुर्दे से चंद सवालात करेंगे। जो शख्स सही जवाब देगा कब्र में आराम सुकून की ज़िंदगी बसर करेगा, जो ठीक जवाब ना देगा इसकी ज़िंदगी दर्दनाक हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, क़यामत तक वो इसी हाल में रहेगा। फिर ऐसा वक्त आएगा कि जब अल्लाह ताला के हुक्म से इसराफील सूर फूंकेंगे, तमाम दुनिया फना हो जाएगी। एक तवील मुद्दत के बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा, तमाम मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। ये दिन यौमुल बास कहलाता है। नाज़रीन इकराम, क़यामत के मुतालिक कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियां जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम इसकी एक एक पोर को दुरुस्त करेंगे। बल्कि आदमी चाहता है कि अल्लाह ताला के सामने ढिठाई करे, आंखें चुधियाने लगेंगी और चांद पर ग्रहण छा जाएगा, चांद और सूरज इकट्ठे हो जाएंगे। इंसान इस दिन कहेगा कि कहां भाग कर जाऊं, कोई बचाव की जगह नहीं, तेरे रब ही के पास इस दिन का ठिकाना है। इंसान इस दिन बतलाएगा जो इसने आगे भेजा और पीछे, बल्कि वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, तीसरा मरहला यौमुल हिसाब है। इस दिन लोगों के ईमाल का जायजा लिया जाएगा। ईमाननामे लोगों को दिखलाए जाएंगे। एक पलड़े में नेकियां और दूसरे पलड़े में बदियां रखी जाएंगी। नेक लोगों को जन्नत और रेशमी लिबास का बदला दिया जाएगा। वो इन तख्तों पर तकिया लगाए बैठेंगे जहां धूप की शिद्दत ना होगी और हवाएं चलेंगी। इन पर इनके साए झुके हुए होंगे और इनके फलों के गुच्छे बहुत नीचे लटक रहे होंगे, और लोग इनके इर्द गिर्द चांदी के बर्तन और चांदी के आबखूरे लिए फिर रहे होंगे, और औरतें गोरी बड़ी आंखों वाली जैसे गुलाफ के अंदर मोती के दाने हों खिदमत के लिए हाजिर होंगी। वहां सिर्फ सलामती ही सलामती की बातें होंगी। वहां बेरी के दरख्तों में कांटा नहीं होगा, और केले तय बतय लंबा साया और बहता हुआ पानी कसीर मेवे जो ना तोड़े गए हैं और ना रोके गए हैं, और ऊंचे बिस्तर होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने पैदा किया इन औरतों को जो नहायत खूबसूरती के साथ, फिर हमने इनको कमवारी बनाया जो प्यार दिलाने वाली और हम उम्र होंगी। इसमें नहरें हैं जिनमें किसी किस्म की बदबू नहीं, नहरें हैं दूध की जिसका मज़ा नहीं बदलेगा। नाज़रीन इकराम, नहरें हैं शराब की जिनके पीने वालों को बड़ा लुत्फ आता है, नहरें हैं शहद की जिनका झाग उतरा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये तहकीकी और तारीखी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी तारीखी और
मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।